विद्युत मंडल ने जांजगीर तहसील दफ्तर का बिजली कनेक्शन काटा। एसबीआई के कनेक्शन से हो रही थी बिजली सप्लाई। जांजगीर के तहसील कार्यालय में उस वक्त दफ्तर के स्टाफ सकते में आ गए जब विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और कार्यालय की बिजली सप्लाई को बंद कर दिया। बिजली बंद होने के बाद दफ्तर में काम ठप हो गया और दफ्तर काम लेकर पहुंचने वाले लोग निराश होकर लौटे। तहसीलदार राजकुमार मरावी ने बताया कि बिजली कनेक्शन जोड़ने विद्युत मंडल के अफसरों से बात की गई है। तहसील दफ्तर खुलने के पहले बिल्डिंग में एसबीआई का ट्रेनिंग सेंटर था, जहां एसबीआई के द्वारा बगल के दूसरे ऑफिस आरएसईटीआई के कनेक्शन से बिजली सप्लाई ली जा रही थी। फिर उसी बिल्डिंग में तहसील दफ्तर खुल गया और तहसील का अलग बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया। एसबीआई के पुराने कनेक्शन से बिजली चल रही थी। फिर एसबीआई ने विद्युत मंडल को शिकायत की कि तहसीलदार दफ्तर में उनके ऑफिस में लगे कनेक्शन से बिजली सप्लाई हो रही है। इसके बाद तहसील दफ्तर गए कनेक्शन को काट दिया गया। फिर क्या था, तहसील दफ्तर में बिजली नहीं से काम ठप हो गया। कनेक्शन काटने के संबंध में तो अभी बात हुई है मेरी, क्या बोलते हैं, जेई से। उनका कहना था कि दूसरे का कनेक्शन काट रहे थे, एसबीआई की तरफ से कुछ कंप्लेन आया था करके, तो इधर का भी कट गया, ऐसा उनका कहना है। और 5-7 मिनट में ठीक कर लेंगे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ मीटर तो लगा नहीं है। उद्योग विभाग की बिल्डिंग है, उसी में ऐसा रूप से तहसील ऑफिस संचालित है, तो जो भी होगा उसको पता लगा लेंगे संबंधित विभाग के माध्यम से। काम बिजली तो आज के स्थिति में कार्यालय में अनिवार्य आवश्यकता है, उसके बिना हल्का फुल्का काम तो प्रभावित होता ही है। बाकी फिलहाल मैनुअल काम चल रहा है, जैसे लाइट आती है फिर बाकी ऑनलाइन काम वगैरह है, उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।